दोस्तों आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। आज मैं पोएम इन अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाओ यार देख लो पहला पार्ट, क्योंकि उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। तो पहला क्वेश्चन है वो व्हाट डज इट मीन बाय रूक। ठीक है, रूक का मतलब क्या है? ए काइंड ऑफ क्रो, इसे क्या कहते हैं? ए काइंड ऑफ क्रो को रूक कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत सारे एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ अक्टूबर ब्लड। तो अक्टूबर ब्लड का माने क्या है? तो इसका मान मतलब है इट रेफर्स टू रेड कलर्ड एटमनल लीव्स विच हैव फॉलन। इसका मतलब क्या है? जो रेड कलर लीव्स है जो एटम के सीजन में गिर जाते हैं उसी को यहाँ पे रेफर किया गया है, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज लॉन्ग डेड चाइल्ड। लॉन्ग डेड चाइल्ड का मतलब इसमें क्या है? तो इसका मतलब है द चाइल्ड विच द पोएट वॉज वंस इन द पास्ट बट नाउ डेड हैज़ बीन रेफर टू। इसका मतलब क्या है? जो पहले चाइल्ड अंदर थे, मतलब कवि के अंदर जो चाइल्ड थे वो अभी एडल्ट हो चुके हैं, तो उसका चाइल्ड मर चुका है उसका अंदर का, इसी बात से वो लॉन्ग डेड चाइल्ड का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तीसरा चौथा क्वेश्चन है when was he born इसमें दा बॉर्न है, when was he born होगा, तो आंसर क्या होगा? द पोएट वॉज बॉर्न इन 27 अक्टूबर 1940। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है। पांचवा क्वेश्चन द पोएम्स डिस्क्राइब विच सीजन, कौन से सीजन के लिए डिस्क्राइब करता है? द सीजन ऑफ एटम, कौन सा सीजन को डिस्क्राइब करता है? सीजन ऑफ एटम। तो यही सारे क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी भी चैप्टर से आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप यार कमेंट में बताओ, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।